Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. वेलकम वेलकम वेलकम, सस्ती मुशायरा में आपका स्वागत है। बैठिए। अरे बाप रे, ये चिचारे लुंगी पहन के आए ले। तुम पीछे जाओ, पीछे जाओ, इधर नहीं बैठना, बहुत कुछ दिखेगा। बदतमीज आदमी। वेलकम, आज की शायरी उन लोगों को डेडिकेटेड है जिनका दिल टूटा और फिर जुड़ गया। गौर फरमाइएगा। धोखा मिला प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। धोखा मिला प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था आग लगा दूंगा इस दुनिया को। कमबख्त उसी वक्त कॉलोनी में दूसरी आ गई। अच्छा, ये टेक न्यूज है, एकता कपूर स्पॉन्सर्ड नहीं, वरना डेली टेक न्यूज में हम यही तमाशे करते रहते। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म टेक न्यूज आपके सामने हाजिर है। बहुत सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। वैसे आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किया है, Xiaomi Pad 5 बहुत ही पावरफुल गेमिंग टैबलेट है। बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताइए। नहीं देखा वीडियो जाके देखिए, प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सब्सक्राइबर्स बहुत डाउन हो रहे हैं और आप लोगों से उस दिन जब मैंने बोला था सब्सक्राइब करने के लिए तो थोड़ी ग्रोथ मुझे उस वक्त दिखाई दी और आज भी यही कहते हैं, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, मोटिवेट करिए। ये सेटअप अभी थोड़े दिन में बदलने वाला है तो हम बहुत आगे कुछ और अच्छा करने वाले हैं और मुझे आपका साथ चाहिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं ओप्पो से। ओप्पो रेनो 8 बताया जा रहा है कि जून के महीने में चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा। इंडिया का पता नहीं है, लेकिन स्पेक्स जो लीक हुई इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा कर सकती है ओप्पो अगर हम उनको 7 सीरीज से कंपेयर करें। फुल एचडी प्लस वाली आपको एक ओलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट, पीछे 50 का कैमरा, सोनी IMX 766 सेंसर है, 4500 mAh बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है, स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1। ये चिपसेट अभी तक आई नहीं है लेकिन बहुत ही पावरफुल हो सकती है। LPDDR5 UFS 3.1 अगर ऐसा होता है और थोड़ी डिसेंट प्राइस पर भी जाता है, मानते हैं ये एग्रेसिव तो रखेंगे नहीं, इनकी प्राइस प्रीमियम होती है, तो मैं ये कहूंगा कि 7 सीरीज जो ओप्पो की है, रेनो 7 सीरीज, उनसे डेफिनेटली ये अपग्रेड है। तो देखते हैं, जून में बोल रहे हैं कि चाइना में, शायद जुलाई तक हमें इंडिया में भी मिल जाए। व्हाट्सएप दोस्तों मल्टी डिवाइस सपोर्ट में एक और देव मानुष वाले अपडेट पर काम कर रहा है। अभी ये बीटा में ऑफिशियल भी हो जाएगा। फोन टू फोन या फोन टू टैबलेट में अभी आकर आपको आपका व्हाट्सएप शेयर करना है, बहुत ही क्विक और इजी हो जाएगा। ये फोटो यहाँ पर आप देखेंगे डब्ल्यू बीटा इन्फो ने शेयर किया है। इसमें एक अलग सेक्शन आपको मिलेगा जहां पर आपको जाकर QR कोड मिलेगा, स्कैन करके ही आप दूसरे फोन में डायरेक्टली व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। वो एनक्रिप्टेड भी रहेगा और साथ ही साथ आपके सारे मैसेजेस यहां से वहां भी जो वो ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और ये प्रोसेस पहले से बहुत इजी, बहुत सिंपल होगा और मल्टीपल डिवाइसेस में आप क्विकली व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे एक टाइम पर। तो ये अभी इस पर और अच्छे से काम कर रहे हैं जो एंड्रॉइड iOS दोनों में आएगा। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, दिन में व्हाट्सएप आप कितना घंटा इस्तेमाल करते हैं? मैं मतलब अनगिनत वक्त इस्तेमाल करता हूं, बहुत काम रहता है। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वैसे Vivo X80 सीरीज ग्लोबली तो 8 मई को लॉन्च हो रहा है लेकिन इंडिया में बताया जा रहा है कि 18 मई को लॉन्च होगा। ऐसी लॉन्च डेट इसकी वैसे उनकी वेबसाइट के ऊपर कमिंग सून जो मेंशन है ना, 18 डेज का टाइम दिया है, उससे स्पेकुलेट किया जा रहा है कि 18 मई को ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, वीवो की खुद की कस्टम चिप होगी कैमरे के लिए, तो नाइट फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी होगी, 80 वॉट चार्जिंग वगैरह वगैरह, और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो हाँ, डेफिनेटली वीवो कैमरे के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। तो 18 मई को बोल रहे कि इंडिया में आएगा, प्रीमियम फ़ोन होगा, प्रीमियम प्राइस होगी, आएगा आपको ज़रूर बताएगी। एलन मस्क, आजकल ये नाम पूरी दुनिया में कोने कोने तक फैला हुआ है क्योंकि ये भाई जो वो शॉपिंग करने निकले, पहले ट्विटर बाद में कोका कोला को बोला परचेस करेंगे, ये बोला ना जब से इंडिया वालों ने इंपोर्ट बढ़ा दिया था टेस्ला पर, तब से ये अंडे शंडे चीज़ें कर रहे हैं। खैर, टेस्ला का स्मार्टफोन याद है, बहुत पहले इसकी लीक आई थी, फोटोज़ भी कुछ लीक हुए थे कि ये है, एग्जिस्ट करता और आने वाला है। बताया जा रहा है कि इस साल की एंड में ही टेस्ला स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा जो बेसिकली एप्पल को अंडरकट करेगा। साले का खोपड़ी तोड़। एप्पल के आईफोन जो आ रहे ना 14 सीरीज वाले, उनको कम्पीट करने के लिए आ रहा है और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स देगा जो शायद दूसरे फोन्स में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आई एम नॉट श्योर, ये बोल रहे अक्टूबर तक आ सकते हैं, सितंबर में अगर एप्पल आया तो उसके बाद ये डायरेक्ट अक्टूबर में आएगा। एलन बाबा क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है टीम को इनके घर पे जाना चाहिए, हाथ मिला के बोलना चाहिए। आपस की बात यार, आपस में निपटा लेते हैं।
वैसे इंडिया के अंदर आपको पता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब सेमीकंडक्टर में जो स्टार्ट हो रही है, और इसमें बड़ी बड़ी ब्रांड्स को बोला है पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी इस मामले में मौका दिया जाएगा कि वो भी कुछ अपनी टैलेंट दिखाए। जहां पर क्वालकॉम ने अब पार्टिसिपेट कर लिया है हमारे इंडिया में इन चीज़ों को और बूस्ट करने के लिए, जहां पर वो स्टार्टअप्स को जो वो ट्रेन करेगा, उनको हेल्प करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा वगैरह वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि क्वालकॉम जो ऑब्वियसली बहुत सारे चिपसेट्स बनाता है, लार्जेस्ट चिप मेकर में से उनका नाम आता है, अब इंडिया में वो इस मामले में हेल्प करेगा ब्रांड्स को डेवलप करने के लिए, और उससे हमें बहुत प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी प्लान चल रहा है इंडिया में, बड़ी से बड़ी ब्रांड अगर आती है सपोर्ट करती है तो हम इस मामले में बहुत आगे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्वालकॉम ऐसा बताया जा रहा है कि वो रुकने वालों में से नहीं है। एप्पल की M1 आपको पता है ना, वो अपनी खुद की मैक की जो वो चिपसेट्स लाया था, जो आई थिंक नवंबर 2020 में सबसे पहले आई थी, अब क्वालकॉम उनको कम्पीट करने के लिए पावरफुल लैपटॉप चिपसेट्स पर काम कर रहा है जो 2023 की स्टार्ट से मिलेगा। ये क्वालकॉम के CEO ने खुद ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है एक इंटरव्यू में, यानी कि अगले साल की शुरुआत में ही क्वालकॉम के जबरदस्त पावरफुल लैपटॉप के चिपसेट्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी है उनके, पर वो उतने पावरफुल नहीं है, वो अलग तरीके के यूजर को टारगेट करता है, लेकिन ये वाले डेफिनेटली एप्पल के M1 वगैरह के जो चिपसेट से उनको कंपीट करने को आएगा, तो अच्छी बात है। देखिए ये जो भी करती है ब्रांड्स, दूसरे इसको उसको देखकर कुछ भी करे, फायदा किसका होता है? लड़ते ही है, फायदा हम लेजेंड्स का। बाय द वे, इंडिया के अंदर हमें एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है। अभी स्मार्टफोन्स को लेकर तो देखा जाए तो मार्केट ऐसा बुरा हो चुका है, तो कुछ हमारे लिए सरप्राइज की बात नहीं है। बताया जा रहा है कि जब तक महंगाई है तब तक स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी, 2-2% करके। ये एक्चुअली में देखा जाए 2019-2018 में एक टाइम था, और अब देखो जो प्राइस में हमें, फॉर एग्जांपल एक फ़ोन आज हमें 12-13 हज़ार की रेंज में मिलना होता था, वो 15-15 हज़ार पर मिल रहा है। हम मानते हैं चिपसेट भी एडवांस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इम्पोर्ट GST सब भी लगाते हैं, लेकिन स्टिल एटलीस्ट आपको पता होगा कि आज स्मार्टफोन की प्राइस कितनी ज़्यादा हो रही है, और ये बोल रहे हैं कि जब तक महंगाई ऐसी रहेगी ये प्राइस बढ़ते ही रहेगी, और स्मार्टफोन्स आपको इंडिया में आगे चल के भी 2023 या 24 में भी सस्ते नहीं मिलने वाले, आपको जेब से ज़्यादा पैसे निकालने ही पड़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत बुरी खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रांड्स को थोड़ा मौका देना चाहिए, हमें जब इतना पैसा कमा रहे तो कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। वैसे आपको क्या लगता है, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ स्मार्टफोन की प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, कमेंट में ना जरूर बताएं। क्या आपको बताया दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जब भी कोई एरर होता है तो उसको हम बग बोलते हैं, है ना, बग आ गया कंप्यूटर में, बग यानी कि एक छोटा सा कीड़ा। ये बग ही क्यों बोलते हैं आजकल हमारे सबके मुंह में यही रहता है, क्योंकि पहले जब कंप्यूटर आया था और सबसे पहला जो एरर कंप्यूटर में जो हुआ था ना, वो एक असली कीड़े की वजह से हुआ था, वो कंप्यूटर में घुस गया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वहां से नाम पड़ गया कि कंप्यूटर में बग आ गया, और वो नाम सबके दिमाग में फिट हो गया, और आज जब भी कुछ होता था हम बोलते हैं बग आ गया, बग आ गया। आज की रेडियो देखा था मुझे भी करता, आपको आज की रेडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।